गाइज, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मिस क्रिएटिव। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जो आज की वीडियो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसके एक सब टॉपिक से रिलेटेड है जो कि है लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लर्नर पूरे इंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग में पिवोटल रोल प्ले करता है। लर्नर को कुछ करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि एज फॉलोइंग है। पहला होता है सिचुएशन रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा डिसीजन रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स और तीसरा लर्नर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स। जो पहला होता है उस करेक्टरिस्टिक में ये होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि एक लर्नर को एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि मान लो एक टीचर है, वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर वो कुछ समझा रहा है और लर्नर का माइंड ही उस वक्त नहीं है, जो स्टूडेंट है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसको समझ में कैसे आएगा। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन एक टीचर दे रहा होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही एक पावरफुल इम्पैक्ट डालते हैं या फिर हम कहें अफेक्ट करते हैं एक बच्चे को, उसके माइंड के लेवल को। क्योंकि वो कुछ समझा रहे होते हैं तो वो काम की बात ही बता रहे होते हैं। तो इसके लिए एक जो लर्नर होता है उसको सिचुएशन के बेसिस पे खुद को एडजस्ट करना आना चाहिए, राइट। और दूसरा है डिसीजन रिलेटेड करेक्टरिस्टिक। डिसीजन रिलेटेड करेक्टरिस्टिक में होता है कि पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के डिसीजंस लेना, लाइक जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको ठीक से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर टीचर से जा कर के बात करो, और अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हैं तो उसमें भी पर्टिकुलर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। तो ये डिसीजन रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स भी एक लर्नर में होने चाहिए, और लर्नर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स तो होने ही चाहिए। उसमें स्किल, नॉलेज, उसका डेवलपमेंट लेवल, आईक्यू लेवल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मेनली जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही होता है कि जो लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कितने होते हैं। मेनली वो तीन ही होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? सिचुएशन, डिसीजन एंड लर्नर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करना, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले वीडियोज़ के बारे में नहीं पता चल पाएगा।